सब वो लगने लगे क्या इसमें क्या है कि डायरेक्ट जो है ऊपर से कुछ गिर भी जाए हल्का पूरा गिरेगा तो सेफ हो जाएगा लेकिन भारी गिरेगा तो फिर तो टूट जाएगा क्योंकि एक दिन टूट गया था यहाँ पे बिल्ली बैठी थी और वो हमारे लोगों ने तो ये जेनसेट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जेनसेट 2250 के ये 2250 केवी है 11 केवी जिसके अंदर चार बैटरी 160H कॉमन स्पॉटलाइट ना कॉमन 160H होगी 180 आई थी पहले वो चोरी हो गई थी सारी यहाँ पे अच्छा 160 इधर से जेनसेट ये जो हीट एक्सचेंजर प्लेट टाइप ये हीट एक्सचेंजर प्लेट टाइप वेरी कॉम्पैक्ट स्लीक डिजाइन कितने जेनसेट हैं ये 10 जेनसेट 2250 के भी 10 जेनसेट ये इधर राउटर है सो दिस टोटल सिस्टम डीजी सेट सप्लाइड बाय डीजी सेट्स एंड सिंक्रोनाइजिंग पैनल्स एंड ऑल दिस कूलिंग रॉ वाटर पंप्स फ्यूल टैंक फ्यूल सिस्टम्स ऑल वर सप्लाइड बाय सुधीर ये आपका जो नॉर्मली लेवल गेज होता है ₹950 तो इसमें ये जो आपकी लाइन है एक फिलिंग लाइन है जो ये ऊपर से दिखती है ये वाली और ये दो एक इनलेट एक आउटलेट एक इनलेट और दो आउटलेट तो प्रैक्टिकली नाउ इट इज कि अभी ये एक फिलिंग लाइन है जो टैंक को फिल करते हैं और ये वाली जो है ये वाली साहब नमस्ते ये वाली ड्रेन है ड्रेन पाइप जो इंजन को जाती है सर और ये इंजन से रिटर्न पाइपलाइन है जो सेम साइज की वापस आती है और ये वाली पाइपलाइन है ओवरफ्लो सर अभी तो मिलेगी नहीं ओवरफ्लो टैंक भेज रखा है एसबीआई की उसमें और एक जो स्पेशल फीचर है आजकल ये ड्रेन पाइप ये टैंक के बॉटम से लेके पाइप निकालते हैं उसमें नेटवर्क लगा के ताकि कभी इसको फ्यूल को टैंक को तेल निकालना हो तो वो यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है सर मैं अभी जाकर फिर बोल देता हूँ एक बार ओके सर मैं कर देता हूँ नहीं मैं अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में जाकर ना ऑफिस टोटल 2250 केवी के 10 जेनसेट्स बहुत बड़ा है सेट टैंक है शायद मैं अभी कनेक्शन नहीं हुआ इसका सेंसर का ये है बफर टैंक ये बेसिकली बफर ये बफर टैंक है प्रैक्टिकली बफर टैंक के ऊपर एक लेवल स्विच लगा है लेवल स्विच में भी 4 पोजीशन और 2 पोजीशन जिससे कि इस बफर टैंक को भरने के लिए हम पंप को चलाते हैं और ये जो दो पंप हैं जो सप्लाई की होंगी और ये अंडरग्राउंड टैंक है ओवरफ्लो के थ्रू इसको भी उठा के रख करके तो इसके अंदर भी लेवल स्विच चाहिए ये तो साइरस का होगा साइरस का होगा ये लिखा होगा ए उसका है सीसीटी चल कोई नहीं तो ये लेवल स्विच जिसका ये अरेंजमेंट इन्होंने पाइप लगा के ये बनाया है गुड्डू है ऊपर दो क्रैंकिंग स्टार्टर ये बोलते हैं इसमें ये मैग्नेटिक स्विच और ये क्रैंकिंग मोटर
मतलब मैंने पूरा एक साल दिया यार। ये पावर हाउस जो 2250 केवी है, 11 केवी, 5-10 जेनसेट्स हैं, जिसमें 5-5 जेनसेट्स के दो ग्रुप हैं। दो ग्रुप, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटिक। ये सिंक्रोनाइजिंग पैनल, कंट्रोल रिले पैनल, कम पीएलसी पैनल, फर्स्ट उसका मल्टी फंक्शन रिले, डिफरेंशियल डिफरेंशियल रिले, मास्टर टेप, और ये कंप्लीट SLT। ये मैंने लगवाई है, ये तो कुछ भी नहीं था। नहीं, ये अच्छा लगता है, किसी पे नहीं था, किसी पे नहीं। ये तो यहाँ पे ये दूसरा पैनल। तो ये पैनल सुइटेबल फॉर 5x2250 kV, 11 kV, कंप्लीट MFN ऑटो सिंक्रोनाइजिंग, लोड शेयरिंग एंड लोड मैनेजमेंट पैनल इंक्लूडिंग PLC। एंड यू सी दिस केबल टर्म कंट्रोल केबल टर्मिनेशन लेंथ वाइज सुधीर, वेरी नाइसली ड्रेस्ड, वर्कमैनशिप इज वेरी एक्सीलेंट। ग्रुप 5x2250 kVA, कंट्रोल रिले पैनल, टोटल सिस्टम इज डिजाइंड बाय सुधीर एंड सम ST पैनल्स फॉर दिस सिस्टम। NIS एंड NGR पैनल, वेरी कॉम्पैक्ट। ये वाले वो अपने देखो, हैं इसी साइड का बैक साइड, ये सामने है ना, वो बैक है। अच्छा, बैक एसिस। एक्चुअली NGR पैडल एंड NIS पैडल इज मेड बाय M कंट्रोल हियर। नॉर्मली रिसी टेक मेक वी आर प्रोवाइडिंग। This is especially project, a very compact and prestigious project, DLF Cyber Park. Initially the design of the system and discussion with consultants were done in my presence, and whatever we have thought that has been implemented, and now it's working since how many years? कितने, एक साल हो गया इसको? एक साल हो गया, फ्रॉम 1 ईयर। सो नाउ यू कैन सी द क्वालिटी एंड दिस नेम नॉन टू बी ए पावरिंग द नेशन एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाई एंड प्रूव फॉर दिस क्वालिटी। दिस इज ऑल द बेस्ट, थैंक यू।